सोलापुरातील ऑटो रिक्षा संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या शाखेचा उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाले. गुरुवार दिनांक 17 ऑगस्ट रोजी सोलापुरातील मंगळवार बाजार पद्मा टॉकीज रिक्षा स्टॉप येथे ऑटो रिक्षा संयुक्त महासंघाच्या शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ऑटो रिक्षा संयुक्त महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष व वाहतूक संघटना ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे जिल्हाध्यक्ष रियाज सय्यद यांच्या हस्ते हे उद्घाटन समारोह कार्यक्रम संपन्न झाले. यावेळी रियाज सय्यद यांनी रिक्षा चालकांना ज्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या पूर्ण करू व तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू, एकमेकांना सहकार्य करून संघटना मजबूत करून आपले हात शासनाकडून मिळवून आणू असे आश्वासन रियाज सय्यद यांनी दिले. यावेळी प्रमुख मान्यवरांचा सत्कार देखील करण्यात आला. अस्सलामुअलैकुम. आज वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्य इसके जानिब से पद्मा टॉकीज रिक्शा स्टॉप का अनावरण किया गया, जो कि वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ हमेशा चालकों के हित के लिए और चालकों के कल्याण के लिए हमेशा काम करते हैं. ये तो इसी के मद्देनज़र आज मिनाज भाई जो यहाँ के पद्मा टॉकीज रिक्शा स्टॉप के आधार स्तंभ है और साथ ही साथ अध्यक्ष अशोक बनपट्टी साहब और उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान सैयद साहब, इनके मौजूदगी में आज पद्मा टॉकीज रिक्शा स्टॉप का जो नए से अनावरण किया गया और वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ में संलग्न किया गया, तो मैं इसके लिए सभी यहाँ के पदाधिकारियों का और स्टॉप पे रुकने वाले सभी चालकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और इनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि इनके जो समस्याएं है और इनके जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मिनाज भाई ने अभी बताया कि ये स्टॉप रिन्यूअल नहीं हुआ या फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ पूरे सोलापुर जिले में 1000 रिक्शा स्टॉप की स्थापना करने जा रहा है. उसी के साथ साथ जितने भी पुराने स्टॉप्स है उनको रिन्यूअल करना और उनके ऊपर जो भी समस्या है, जो भी ट्रैफिक के अड़चने है, वो उसको दूर करना, ये वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ की प्राथमिकता है. और इसी मद्देनजर से ये स्टॉप आज से वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ के अंडर में होने की वजह से इस पे वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ हमेशा की तरह, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ रिक्शा चालकों का रुकना ही नहीं बल्कि प्रवासी को अच्छी सुविधा देना, उनके जो भी समस्या है प्रवासी के या हमारे चालकों के जो भी समस्या है, जैसा कि एजुकेशन, शिक्षण, आरोग्य, इनके लिए वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ हमेशा लड़ते ही है और इनके लिए हमेशा काम करते हैं. तो इसी मद्देनजर से आज के बाद यहाँ के जो पद्मशाली रिक्शा स्टॉप का पूरा जो निगरानी होंगी वो इंशाल्लाह ताला हमारे सोलापुर के निरीक्षक मोहसिन भगवान इनके अंडर में होंगे और वो यहाँ पे हमेशा आके जो भी स्टॉप की समस्या है वो जान के लेंगे और जो भी समस्या का निवारण करना है वो जल्द से जल्द यहाँ पे करते रहेंगे. इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ महाराष्ट्र राज्य में 19 जिलों में फैल चुकी है, साथ ही साथ कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अपने कदम जमा चुकी है. तो जो आज महाराष्ट्र लेवल की वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ था वो आज राष्ट्रीय लेवल पे हो चुका है और इसी के साथ साथ आज 1500 से ज्यादा सभासदों ने इसमें सहभाग लिया है और अपने सभासद नोन किया है. तो आप सभी से गुजारिश है कि आप भी यहाँ के स्टॉप के लोग सभासद बने, अपना आईडी कार्ड बना के लिए और जो भी समस्या है वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ के कार्यालय ऑफिस को आके वहाँ पे बताए. और वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ हमेशा रिक्शा चालकों और वाहतूकदारों के लिए कल्याणकारी महामंडल के लिए लड़ रही है. तो इसमें इस लड़ाई में जो कल्याणकारी महामंडल है जिसके अंदर चालकों को
सालाना कम से कम सरकार की तरफ से 10,000 रुपए और इनके लिए पेंशन और इनके चालकों के लिए स्वतंत्र दवाखाना और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए हमने सरकार से मांग की है। तो इस मांग और इस आंदोलन में आप सभी का साथ सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। और जिस तरह आज आपने हमारा इस्तकबाल किया, हमें आज बड़ापन दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।